से मैंने रेडी किया है और इसे भी एपिसिया ही आप बोल सकते हैं। देखिए दोनों पत्तों का टेक्सचर देखिए एक ही है, लेकिन ये सनसेट प्लांट है। इसमें ऑरेंज कलर के प्यारे प्यारे छोटे छोटे फूल होते हैं। ये है कटिंग से रेडी किया हुआ और ये है मदर प्लांट, ये देखिए। और इसकी भी मैंने बहुत सारे कटिंग रेडी किए हैं। नेचर दोनों का लगभग एक ही है और इसे सनलाइट से बचाना है और इसे सेमी सनलाइट देना है, ज्यादा सनलाइट नहीं देना है, लेकिन अगर सनलाइट देंगे तभी इसमें फ्लावर्स आते हैं। वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद सुनीता। आज मैं अक्टूबर महीने का गार्डन ओवरव्यू लेकर आ गई हूँ और अपने गार्डन को मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी। बहुत सारे नए अपडेट है, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। मैंने कुछ नए अरेंजमेंट भी किए हैं, वो भी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए गार्डन को दिखाते दिखाते कुछ जरूरी काम भी मैं कर लेती हूँ, जैसे कि विंका में ये देखिए इस टाइप से फंगस लग जाते हैं, तो आपको इस तरह कट कर देना है इसकी स्टेम। ये देखिए, ये आप अगर नहीं करेंगे तो आपके प्लांट ही खराब हो जाएंगे पूरे, तो ये काम आप जरूर कीजिए। दूसरा है अपराजिता में आपको ढेर सारे फूल चाहिए, तो इस तरह से सीड पॉट जो बने हुए हैं उसे आपको जरूर हटाना होगा। सीड बन जाने के बाद होता क्या है, प्लांट को गलतफहमी हो जाती है कि मेरे अब फूल देने का समय अब खत्म हो गया, इसलिए ये फ्लावरिंग थोड़ी कम करने लगती है। लेकिन आप ये एक्सपीरियंस करके देखिएगा, जैसे ये सीड पॉट आप हटाएंगे कितने सारे फूल आने स्टार्ट हो जाएंगे। और इतने सारे सीड पॉट को मैंने हटा दिया है। और ये अपडेट है गेंदा का, 20 रुपए के प्लांट से मैंने करीब 100 से भी ज्यादा प्लांट मैंने रेडी कर लिए। और इधर है फिलोडेंड्रोन की वैरायटी, ये है गोल्डन फिलोडेंड्रोन, ये भी है जिसका नाम मुझे पता नहीं है। और ये देखिए, मैं पत्तों से ग्रो करने की कोशिश कर रही हूँ, ये 15 डेज हो गया है, मुझे लगता है कि इसमें ग्रोथ हो जाएगी। और ये क्या किया मैंने, जो रेत को चालने के बाद जो कंकड़ बचते हैं वो कंकड़ में मैंने इसे लगा दिया और अच्छी ग्रोथ हो रही है। और ये बिगोनिया की छोटी सी कटिंग है और ये तो मैं हंटिंग करके लेके आई थी। ये मैं रोड साइड से बड़े से प्लांट में अगल बगल पॉप निकले हुए थे छोटे छोटे गोल गोल, उसे मैं लेकर आई थी। और इधर गंधराज है जिसमें धूप अभी नहीं लग रही है, नहीं तो बहुत अच्छी से ये फ्लावरिंग करता है। और मैं क्या कर रही हूँ, अभी जितने भी कोलियस है उसे मैं बॉटल में लगाने की कोशिश कर रही हूँ, ये देखिए, क्योंकि कोलियस बॉटल में अच्छी तरह से चल जाते हैं, उसके रूट बहुत अंदर तक जाते हैं, इसलिए। मॉन्स्टेरा है ये मैंने इस बार ऐड किया अपने गार्डन में, बहुत ब्यूटीफुल है। देखिए एक एकड़ अगर मैं प्लांट दिखाना स्टार्ट करूं तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी, बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। ये देखिए चेरी के प्लांट में कितने सारे फ्लावर्स आए हैं, मैंने चेरी के प्लांट से चेरी हार्वेस्ट कर लिया, इसका वीडियो मैंने बनाया था और लिंक दे दूंगी, आप लोग जरूर एक बार विजिट कीजिए, जरूर देखिए। आप लोग के लिए ही तो मैं वीडियो बनाती हूँ और नहीं देखेंगे तो कैसे होगा बताइए। और ये देखिए मुसांडा, बहुत ब्यूटीफुल, इसका रूप ही अलग है। 5 फ्लावर्स है, उसमें एक वाइट कलर के पत्ते, फायर बुश कहते हैं इसे। ये पर्सलिन को मैंने एक जगह लाकर रख दिया है अभी। और इधर बहुत सारे इधर हाइबिस्कस है, ये देखिए विंका में फ्लावर्स देखिए कितने सुंदर है। और इधर देखिए डेंथस, डेंथस में कितने सुंदर फ्लावर आए हुए हैं, बहुत सारे, और मैं कटिंग से रेडी करने वाली हूँ अभी।
इधर भी डेंथस है, ये मेरा पुराना प्लांट है और ये भी डेंथस है। इससे कितने सारे प्लांट बन जाएंगे, मैं अभी वो काम करने वाली हूँ। और ये प्यारा सा फ्लावर प्लांट तोरू लता जिसे कहते हैं बंगाल में, और साइप्रस वाइन कहते हैं, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर। और एक बार अगर आपके गार्डन में आ गए तो इसे हटाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और मैं इसे लगे रहने देती हूँ, बहुत क्यूट इसके फ्लावर होते हैं। इसे गणेश बेल, सीता बेल, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। और मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। और ये देखिए कितना प्यारा कलर है। आप ये कॉम्बिनेशन की यदि कोई ड्रेस पहनी जाए पिंक के साथ डार्क मरून टाइप के, तो नेचर हमें कलर कॉम्बिनेशन भी बताता है। बहुत सारे कलियां आई हुई है, ये है अलामंडा, और इधर ही अलामंडा की ही वैरायटी है, येलो कलर वाले हैं इधर। ये है कॉक्सकॉर्न, ये मेरे गार्डन में खुद ब खुद उगाए थे पिछले साल के सीड से। बहुत सारे प्लांट उगाते हैं, टाइम अपना आएगा तभी। और इधर मैंने गेंदे का पूरा कटिंग कर करके इतने सारे प्लांट बनाए हैं, ये देखिए कटिंग मैंने किया है। और इधर मैं आ गई हूँ जो गार्डन में आप लोगों को बार बार दिखाती हूँ, ये है मैंडाविला। अब बहुत सारे फूल आ रहे हैं इसमें अभी। और ये है बेबी सनरोज, किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि बेबी सनरोज के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं, तो बहुत जल्दी ही मैं लेकर आऊंगी बेबी सनरोज के ऊपर एक वीडियो। ये देखिए एपिसिया प्लांट कटिंग से मैंने रेडी किया है, ये है कटिंग से रेडी किया हुआ, और ये है मदर प्लांट, ये देखिए। और इसकी भी मैंने बहुत सारे कटिंग रेडी किए हैं, नेचर दोनों का लगभग एक ही है। ये कॉर्नर तो आप लोग हमेशा देखते ही रहते हैं। और ये है नर्सरी, यहाँ मैं सीडलिंग ग्रो करती हूँ, बेबी प्लांट को ग्रो करती हूँ, छोटे छोटे प्लांट जो बहुत डेलिकेट होते हैं उसे मैं यहाँ लगाकर प्रिजर्व करके रखती हूँ। एक जगह ही मैंने बनाया है जहाँ धूप भी आती है और छाया भी रहती है, लेकिन कड़ी धूप नहीं आती है। और ये देखिए टीपू चाइना, इसमें फ्लावर्स बिखिल रहे हैं। ये है मेरा इस बार का न्यू अरेंजमेंट, इस तरह से मैंने यहाँ पर सजाया है। मैं दूर से दिखाती हूँ एक बार, ये देखिए दूर से देखने से ही समझ में आता है कि मैंने क्या किया है गार्डन में। सारा वेस्ट मटेरियल से मैंने स्टैंड बनाया है, डब्बों का यूज किया है, कलर वाले डब्बे का। तो एक दिन अगर आप स्टैंड का काम कर रहे हो तो उस दिन आपका गार्डनिंग नहीं हो पाएगा। इस तरह से मैंने स्टैंड में प्लांट को रखा है। और ये है मेरा गार्डन जिसे मैं बार बार आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो बीच का अरेंजमेंट मैंने हटा दिया है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं बीच में पर्सलिन थे, बहुत सारे प्लांट लगे हुए थे, और सारे प्लांट को साइड साइड से लगाया है देखिए। और ये जो नीचे है क्रिसेंथेमम, इधर देखिए तुरेनिया, और तुरेनिया को मैं हमेशा शेयर करती हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुरेनिया उसके पास टिकते नहीं हैं, तो आप सही लोकेशन यदि तुरेनिया को नहीं देंगे तो तुरेनिया प्लांट सही में टिकते नहीं हैं। और फंजीसाइड का स्प्रे, हल्दी का पाउडर का छिड़काव आप इसमें रेगुलरली आपको करना होगा, तभी तुरेनिया रहते हैं, नहीं तो उसमें बहुत जल्दी फंगस अटैक होता है। क्योंकि ये बहुत ही क्यूट फ्लावर प्लांट है, इसके फ्लावर्स देखिए कितने प्यारे हैं, इसी कारण से फंगस को भी ज़्यादा पसंद है ये प्लांट, इसलिए ये प्लांट पे विशेष ख्याल रखना पड़ता है तभी ये चलते हैं। और इसकी कटिंग बहुत तेज लगती है, बहुत जल्दी, बहुत स्पीड में इसकी ग्रोथ होती है, कटिंग बहुत इजीली लग जाते हैं, सीड से बहुत प्लांट रेडी होते हैं। आप जैसा देखिए कितने सारे प्लांट हैं, और ये सारे कटिंग से लगे हुए हैं। मुझे जैसे ही एक स्टेम सूखा हुआ या फंगस लगा हुआ दिखाई देता है मैं फटाक से उसे काट देती हूँ और उसे मिट्टी में लगा देती हूँ, वो लग जाते हैं।
और ये है सिवली के फ्लावर। आप कलियां देखकर समझ गए होंगे कि कितने सारे फूल खिलते हैं ये। और इसके फूल की खासियत है कि ये प्लांट में रहते नहीं है। ये देखिए कितने सारे खिले हुए थे सुबह और सारे ही गिर गए। बहुत सारे होते हैं। लैंटन हाइबिस्कस में कलियां आई हैं। कोई कोई प्लांट होता है जिसका लोकेशन बिल्कुल राइट देना चाहिए आपको। फर्टिलाइजर, कुड़ाई सब कुछ जरूरी है, लेकिन आपको उसका लोकेशन विशेष करके ध्यान देना पड़ेगा आपको कि राइट लोकेशन भी उन्हें मिलने चाहिए। जैसे ये है पिंक वाले टगर, और ये जो फूल है इसका लोकेशन भी मैंने देखा है कि बिल्कुल राइट होनी चाहिए, वरना इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। केवल पत्ते ही पत्ते दिखाई देंगे, फूल नजर नहीं आएंगे। तो आपको लोकेशन का भी विशेष ख्याल रखना पड़ेगा इसमें। ये सब जो प्लांट है ये डायरेक्ट सनलाइट में चलने वाले प्लांट है। ये देखिए ये श्रीलंकन टगर है, ये सबको डायरेक्ट सनलाइट चाहिए। और ये गोल्डन सावर बिना फूलों के नजर नहीं आएगा। और ये देखिए स्थल कमल, डबल पेटल के हैं और इसमें कितनी कलियां आई हुई है और फ्लावर्स होने ही वाले हैं। ये ब्लू डेज, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं, बहुत सारे खिले हुए देखिए आप। और इनका वेलकम है अभी, ये नए नए मेहमान हैं मेरे गार्डन में, अभी ही खिले हैं और कितने प्रीटी लग रहे हैं देखिए। और सीड से ये इजीली ग्रो हो जाते हैं, कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। और इसके जस्ट नीचे है देखिए विंका, ये है ईस्ट फेसिंग मेरा गार्डन और बड़े बड़े प्लांट पीछे है, उसके जस्ट नीचे में विंका है। यानी कि विंका को इसी टाइप का जगह चाहिए, छाया भी हो और धूप भी छन कर आए तो विंका बहुत अच्छे से चलते हैं। आप फूलों की क्वांटिटी देखकर समझ गए होंगे कि कितने हेल्दी ये ग्रो हो रहे हैं, बहुत अच्छे लगते देखने में। कलर बहुत ही ब्राइट है, ये देखिए कितने प्यारे कलर है विंका के। इधर पिंक है, कितने सुंदर लग रहे हैं देखिए। एक बार मैं दूर से दिखा देती हूँ सभी प्लांट को, और ये भी दिखा देती हूँ कि ये एक ही साथ का किया हुआ वीडियो है। ये अक्टूबर ओवरव्यू में मेरे गार्डन में कौन कौन से फ्लावर्स खिले हुए हैं। ये ब्लीडिंग हार्ट देखिए कितने सारे खिले हुए एक ही साथ, और एक बंच यहाँ है। और ये देखिए गोल्डन गंधराज, इसमें फ्लावर अभी आ रहे हैं, फ्लावर्स खिले हुए हैं। और एक प्लांट मैं दिखाऊंगी आप लोगों को जरूर, वो है स्वर्ण चंपा। इसके बगैर तो मेरा गार्डन ओवरव्यू कंप्लीट होता ही नहीं है, और मैं रोज एक फूल तो लेकर जाती ही हूँ। इधर पेंटाज है और इसके जस्ट नीचे क्रोसेंड्रा है देखिए, और ये बोगनविलिया व्हाइट कलर के हैं। ये है बर्ड ऑफ पैराडाइज के प्लांट। एक प्लांट से मैं मिलवाना चाहूंगी, इसको लाने के लिए मैंने पूरा 2 साल वेट किया ये प्लांट लाने के लिए, और ये है जिंजर लिली। एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि इसकी खुशबू कैसी है। और आप देखिए ये प्लांट, ये फूल देखिए कितना ब्यूटीफुल है। और ये प्लांट सिर्फ और सिर्फ पत्तों में लगा हुआ है, और इसका कंटेनर मुझे चेंज करना है। और ये प्लांट के लिए मैंने पूरे 2 साल वेट किए हैं, और आज मेरे गार्डन में ये खिल रहे हैं, बहुत ही मैं खुश हूँ। और देखिए इसमें कलियाँ बहुत सारी आई हुई हैं, और भी स्टिक निकल रहे हैं देखिए। ये देखिए ये जिंजर लिली का प्लांट है, और मुझे बहुत ज़्यादा ये पसंद है। पौधे में लिली जैसे वर्ड लगे हुए रहते हैं, वो प्लांट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो जाते हैं। और इसके नीचे है स्टडे टुडे टुमारो का प्लांट, ये इसमें ग्रोथ होती है, इसके ग्रोथ का टाइम है अभी। जूही के प्लांट है ये, छोटे छोटे बहुत ही क्यूट से फ्लावर होते हैं इसके। एक गिरा हुआ एक दो मैं दिखाती हूँ, ये देखिए कितने छोटे फ्लावर, देखिए कलियां देखकर समझ गए होंगे आप।
मेरे सामने आप देखेंगे ये है प्लम बैगो, जिसे मैं अंदर से निकाल कर बाहर में रखी हूँ क्योंकि इसे मुझे ब्रूमिंग करना है। और फूल देख रहे हैं आप, थोड़ी सूखी सूखी सी लग रही है तो उसे मैं प्रूनिंग करूंगी, तो ये शाम को मैं करूंगी आज, तो इसीलिए मैंने निकाल कर रख दिया है। और इस तरह कुछ दिखाई देता है मेरा गार्डन, ये देखिए। और इधर जो डिफिनबेकिया का प्लांट है इसे भी मुझे क्लीन करना है, ये देखिए इस तरह कुछ दिखाई देता है गार्डन। और बहुत मेहनत लगती है, आप लोग जरूर पूरा देखिएगा वीडियो को। इधर भी देखिए ब्लू डेज का प्लांट है और ये वेस्ट मटेरियल में लगा हुआ है। इस तरफ जो मैंने अरेंजमेंट किया है आप लोगों को कैसा लगा जरूर आप लोग बताइएगा कमेंट में। लकड़ियां रखने से होती क्या है, लकड़ियां सड़ जाती है हम लोग वाटरिंग करते हैं, तो इसलिए इस बार मैंने थर्मोकोल रखा है। ये है लोरो पेटलम का प्लांट और बहुत सुंदर ब्राइट कलर की इसमें फ्लावर्स आते हैं। फूलों वाले प्लांट को मैं एक ही जगह रखती हूँ, कॉम्बिनेशन से फ्लावर्स खिले और गार्डन देखने में सुंदर लगे। आप नर्सरी में ये प्लांट लेने जाइए, 200 से 150, 250 इस टाइप के रेट वो बताते हैं। और कितने सारे प्लांट रेडी हो गए हैं, तो नज़र दौड़ाते हुए बाहर निकलिए, कहीं ना कहीं प्लांट फेंके हुए मिल जाएंगे। और उसके बाद जब लगा कर ऐसा रिजल्ट आता है तो मज़ा ही आ जाता है गार्डनिंग करने में। ये सारे जो क्रिसेंथेमम आप देख रहे हैं इस पर मैंने कुछ भी नहीं किया, ये पिछले साल के क्रिसेंथेमम हैं। देखना चाहती हूँ कि पिंचिंग प्रूनिंग के अलावा भी प्लांट घने होते हैं कि नहीं, और जरूर होते हैं। इसका सामने जीता जागता ये रूप है, आप लोग देखिए। अब बहुत सारे प्लांट है मेरे पास और ये सब प्लांट मैं विंटर में बाहर निकालूंगी। ये है कमिलिया का प्लांट, ये है जिरेनियम का प्लांट। और जिरेनियम के प्लांट से देखिए एक कटिंग मैं लेकर लगाई थी और उसका भी अपडेट मैं दे रही हूँ आपको। ये देखिए जिरेनियम की एक कटिंग को लेकर मैंने लगाया था और ये लग गए। और इसे अभी छाया में रहने दीजिए क्योंकि विंटर में फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है, तो इसे छायादार प्लेस चाहिए। और ये साइकस का बड़ा सा प्लांट है और ये प्लांट मेरे पास 2-3 हैं और इसमें भी बहुत सारे पॉप निकले हैं, सारे से प्लांट बन जाएंगे। और यहाँ पर मधुमालती है, पर्पल हार्ट, देखिए कितना सारा है और अभी इसमें फ्लावर्स आ रहे हैं। तो ये रही मेरी आज की वीडियो जो अक्टूबर का गार्डन ओवरव्यू है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।